जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर में आज आप सभी मित्रों का मैथ्स का दोस्तों पेपर हुआ है। मैंने आप सभी मित्रों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सलूशन प्रोवाइड करा दिया है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी मित्रों ने मैच भी कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं मैच किया है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप मैच जरूर कर लीजिए। अब दोस्तों आप सभी मित्रों को अति लघु प्रश्नों का सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों पेपर आपका बहुत अच्छा आया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दोस्तों बहुत अच्छा आया है और अति लघु प्रश्न भी देखिए बहुत अच्छे आए हैं और मुझे उम्मीद है आप सभी मित्रों ने बहुत अच्छे से पेपर किया होगा। मैंने सब कुछ आपको सिखाया, सब कुछ पढ़ाया। यदि आप शुरुआत से हमारे साथ जुड़े होंगे तो आपको लग भी रहा होगा पेपर बहुत आसान है, आप अच्छे से जरूर कहिए होंगे सारे प्रश्न। ध्यान से देखिएगा छठा प्रश्न दोस्तों, अतिलघु उत्तरी क्या कह रहा है। कह रहा है एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 4 मीटर हो तो कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए। दोस्तों जानते हैं, देखिए छठा प्रश्न कमरे का आयतन, कमरे का जो आयतन दोस्तों होगा, आयतन वो दोस्तों किसके बराबर होगा, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल गुणे दोस्तों किसके ऊंचाई के। आपने ऐसे ही किया होगा, लिखा होगा दिया है कमरे के फर्श का क्षेत्रफल बराबर 12 सेंटीमीटर 12 वर्ग मीटर और ऊंचाई बराबर 4 मीटर। उसके बाद दोस्तों क्या लिखा होगा, कमरे का आयतन फर्श का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ठीक है, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल दोस्तों 12 है और गुणे दोस्तों ऊंचाई दोस्तों कितनी 4, तो 12 चौक 48 कितना, 12 चौक 48 कितना घन क्यूब, घन क्यूब मतलब घन मीटर या मीटर क्यूब, चाहे कहें मीटर क्यूब लिखा होगा, मात्र जरूर आपने लिखा होगा मीटर क्यूब लिखा हो चाहे घन मीटर लिखा हो, दोनों सही। तो यानी कि दोस्तों ऑप्शन जो क्वेश्चन छठा है उसका दोस्तों उत्तर कितना होगा 48। ठीक है, सातवां देखिएगा, देखिए सातवां भी बहुत आसान प्रश्न आया, तो प्रश्न दोस्तों कराया हुआ है। सातवां दोस्तों आपसे कह रहा है क्या, 12y² - y - 1 का गुणनखंड कीजिए। कैसे करेंगे दोस्तों, इसके से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आएगा और 12 के दोस्तों हमें फैक्टर ऐसे करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 12 मिल जाए और घटाएं तो दोस्तों कितना 1 मिल जाए, तो 4 × 3 = 12, तो माइनस का 4 माइनस ब्रैकेट में 4 - 3y - 1, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 12y² माइनस प्लस माइनस का कितना 4y और माइनस माइनस प्लस 3y - 1। दोस्तों यहां से क्या करेंगे, कितना कॉमन ले लें, 4y कॉमन मिल जाएगा, तो कितना इससे भाग किया हुआ 4 × 3 = 12 और वाई माइनस का 1 बचा। यहां से दोस्तों क्या करेंगे, प्लस का 1 कॉमन ले ले तो 3y - 1, यानी दोस्तों कितना आ जाएगा, कॉमन आपको फिर से मिल गया 3y - 1 कॉमन मिल गया, तो 3y - 1 और 4y + 1, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है और कितना आसान है, मुझे उम्मीद सभी का ये प्रश्न सही होगा। ठीक है, अगला दोस्तों देखिएगा सातवें के बाद आठवां नंबर, एट नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है आठवां क्वेश्चन, कह रहा है लॉग 2 की पावर x + 3 बेस ए इक्वल टू लॉग 64 बेस ए। देखिए इस टाइप का भी प्रश्न कराया मैंने, मॉडल पेपर पे भी कराया है और दोस्तों देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ये भी तो मैंने कराया प्रश्न मॉडल पेपर में, कराया कि नहीं कराया, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग यहां a की पावर कितनी x + 3 बेस ए नहीं सॉरी 2 की पावर, और देखिए ये 64 दोस्तों किसको लिख सकते हैं, 2 की पावर कितना 6, भाई 2 को 6 बार लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 देखिए 2 × 2 = 4 × 8 8 × 2 = 16 × 32 और 32 × 64 2 की पावर 6 लिखेंगे कि नहीं। अब देखिए यहाँ लॉग 2 और इसकी पावर कितनी x + 3 और लॉग 2 की यहाँ कितना 6, ये दोनों सेम, तो दोस्तों यहाँ क्या लिखा होगा 2 की पावर x + 3 बराबर 2 की पावर 6, या आपने यदि इस लाइन को नहीं लिखा खाली ये भी लिख दिया x + 3 = 6, तो x = 6 - 3 प्लस का उठा के उधर ले जाएंगे तो x = 3, आपने इतना भी किया तो आपका सही। इस लाइन को आपने नहीं भी लिखा है, डायरेक्ट इस लाइन को किया तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, आठवें के बाद दोस्तों नवा नंबर देखिए, नाइन्थ दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा नौ नंबर दोस्तों कह रहा है, समुच्चय ए बराबर 2, 3, 4, 5 और बी बराबर 4, 5, 6, 8, तो ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। सिंपल है, ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना था, तो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए दोस्तों आपका कितना है 2, 3, 4, 5, तो आपने लिखा होगा 2, 3, 4, 5 इंटरसेक्शन करना है, फिर दोस्तों बी कितना आपका है 4, 5,
6 और 8। अब देखिए इन दोनों में दोस्तों जो कॉमन होगा ए इंटरसेक्शन बी, ये मैंने कल की क्लास में ऐसा क्वेश्चन कराया। देखिए कॉमन क्या, यहाँ 2 है इसमें 2 है नहीं है, यहाँ 3 है इसमें 3 है नहीं है, यहाँ 4 है इसमें 4 है यहाँ है, यहाँ 5 है क्या इसमें 5 है, तो 4 और 5 दोस्तों हमारा कॉमन हो गया, ये दोस्तों हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कितना आसान है, ये भी प्रश्न अच्छा है। 9 के बाद दोस्तों 10वां नंबर देखिएगा, 10 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 10th, संख्या 2 से 20 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 2 से 20 तक की विषम संख्याएं, देखिए पहली दोस्तों कौन सी विषम संख्या, 3 होगी, 3 के बाद दोस्तों 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद दोस्तों 11, 11 के बाद दोस्तों 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद दोस्तों 17 और 17 के बाद 19। और दोस्तों आपसे पूछा क्या है, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों जानते हैं समांतर माध्य क्या होता है, पदों की संख्या बटे पदों का योगफल, तो पदों की संख्या कितनी, एक नहीं, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, समांतर माध्य क्या होता है, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो पदों का पदों की संख्या बराबर दोस्तों यहां कितनी, 9 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दोस्तों समांतर माध्य का फॉर्मूला लगाया होगा, समांतर माध्य बराबर दोस्तों क्या होता है, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, ये तो लगाया। अब ध्यान समझिए, पदों का योगफल यानी कि सभी को जोड़ दें तो 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 सभी को जोड़कर बटे में दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 9, पदों की संख्या कितनी 9, ऐड कर लीजिए तो 3 और 5 3 5 8 8 7 15 15 9 24 24 हो गया, यहां तक हो गया, 25 25 25 और 3 28 28 5 28 5 33 33 और 7 40 40 9 40 और 9 49, हंस लाया के 4 5 6 7 8 9 99 आया, 99 बटे 9 काट लीजिए तो देखिएगा 9 एकम 9 9 एकम 9 9 एकम 9 11 कितना है दोस्तों, समांतर माध्य बराबर 11, समांतर माध्य बराबर 11, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो कितना अच्छा प्रश्न है, कितना आसान दोस्तों है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से किया होगा। ठीक है, अगला दोस्तों अंतिम प्रश्न, अंतिम दोस्तों प्रश्न संख्या 11 है, देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, कल क्लास में ऐसा भी मैंने प्रश्न लिया है। 11 नंबर दोस्तों आपसे कहता है कितना, 70,000 का, देखिए 70,000 पॉइंट लगाने के पॉइंट के बाद जीरो लगे उसका कोई मतलब नहीं, तो 70,000 का 2% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना था। तो ये दोस्तों आपने लिखा होगा मूलधन ब्रैकेट में पी बराबर कितना, 70,000, ऐसे तो किया होगा, और उसके बाद देखिए दर आर बराबर 2% वार्षिक, उसके बाद दोस्तों क्या समय दे रखा है टी बराबर 5 वर्ष, और क्या लगाया होगा साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता, साधारण ब्याज बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे 100, ये तो होता सिंपल इंटरेस्ट, पी दोस्तों आपका कितना 70,000 है गुड़े आर कितना 2 समय कितना 5 बटे 100, काट पीट लीजिए, एक ये 2 जीरो कट गए, मल्टीप्लाई करिए तो 700 तो ये गुड़े 5 × 10, ये तो है साधारण ब्याज ही तो पूछा था, तो 5 × 10 यानी दोस्तों कितना आ गया, 70,000 का 2% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना था, तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज सही तो है, तो 5 × 10 हो गया और 70 तो दोस्तों कितना है 70,000 ही आ गया, 7,000 आएगा ना इसका, 7,000 दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, दोस्तों यहाँ पर 2% नहीं, यहाँ 12% दे रखा था ना, 12%,
तो यहाँ पर 12 पुट कर लीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ 12 पंचे 60 हो जाएगा, यानी कि 7 6 42, 6 7 42 हो गया, 1 2 3 0 42,200 हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो ये हमारा साधारण ब्याज आ गया। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि सभी प्रश्न आप सभी मित्रों के सही होंगे, कहीं पर मुझे उम्मीद की गलती आपने नहीं की होगी। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पे शेयर कर दीजिए, जैसे आपने अपना पेपर मैच कर लिया वैसे आपके अदर मित्र भी मैच कर सकें। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर शेयर करिए। अब दोस्तों, ये पार्ट आपका थ्री था, पार्ट दूसरा था। अब दोस्तों, पार्ट थ्री में आपको लघु उत्तरी प्रश्नों का सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।